बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है भारतीय धर्म एवं दर्शन। भारतीय दर्शन के सिद्धांत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए निम्न बिंदुओं का अध्ययन आवश्यक है, जैसे भारतीय दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन की विशेषताएं, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, योग दर्शन का ईश्वरवाद, अद्वैत वेदांत का मायावाद, न्याय वैशेषिक में मोक्ष का स्वरूप, वैशेषिक दर्शन का परमाणुवाद, पूर्व मीमांसा में धर्म स्वरूप, चार्वाक की प्रमाण मीमांसा, बौद्ध दर्शन का शून्यवाद, जैन दर्शन में अनेकांतवाद। ये कुछ बिंदु हैं, इनसे संबंधित दो सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक का उत्तर देना है। आज हम भारतीय दर्शन के मूलभूत जो सिद्धांत हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं। सर्वप्रथम दर्शन की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य और पशु दोनों अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं। पशु का जीवन प्राय निरुद्देश होता है, वह सहज प्रवृत्ति से परिचालित होता है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि की सहायता लेता है। वह अपना तथा संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन यापन करना चाहता है। वह केवल वर्तमान लाभ के संबंध में नहीं सोचता, अपितु भविष्य के परिणामों के विषय में भी सोचता है। मनुष्य में बुद्धि की विशेषता है, बुद्धि की सहायता से वह युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। युक्तिपूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही दर्शन कहते हैं। मनुष्य क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, यह संसार क्या है, इसका कोई सृष्टा भी है, मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिन्हें प्राय अनेक देशों के मनुष्य सभ्यता के प्रारंभ से ही सुलझाने की चेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हमें तत्व का साक्षात्कार हो सकता है, इसी को सम्यक दर्शन या दर्शन कहते हैं। मनु का कथन है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर मनुष्य को कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। जिनको यह सम्यक दृष्टि प्राप्त है वे ही संसार के जाल से मुक्त हो जाते हैं, और जिनको सम्यक दृष्टि प्राप्त नहीं है वे ही संसार के जाल में फंस जाते हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन, हिंदू तथा अहिंदू, आस्तिक तथा नास्तिक जितने प्रकार के भारतीय हैं, सभी के दार्शनिक विचारों को भारतीय दर्शन कहते हैं। कुछ लोग भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन का पर्याय मानते हैं, किंतु भारतीय दर्शन का अर्थ हिंदू दर्शन नहीं है। माध्वाचार्य के सर्व दर्शन संग्रह का हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। इनके अनुसार वेद अनुयायी, इनको हम आस्तिक, और जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक कहते हैं। भारतीय दर्शन की जो दृष्टि है वो अत्यंत व्यापक है। भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएं हैं, उनमें आपस में मतभेद भी है तो कुछ साम्य भी है। इसी उदार जो मनोवृत्ति है उसका फल है कि भारतीय दर्शन में विचार विमर्श के लिए एक विशेष प्रणाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रणाली के अनुसार पहले पूर्व पक्ष होता है, तब उसका खंडन होता है तथा अंत में उत्तर पक्ष या सिद्धांत होता है। पूर्व पक्ष में विरोधी मत की व्याख्या होती है, उसके बाद उसका खंडन या निराकरण होता है, अंत में उत्तर पक्ष आता है जिससे दार्शनिक अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। भारतीय दर्शन उदार दृष्टिकोण वाले दर्शन हैं। वेदांत दर्शन का हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। वेदांत में चार्वाक, बौद्ध, जैन, सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक आदि सभी मतों का
विचार किया गया है। भारतीय दर्शन की उदार दृष्टि है कि उसकी जो इतनी समृद्धि हुई है, उन्नति हुई है, वो उसकी उदार दृष्टि का ही परिणाम है। भारतीय दर्शन उसकी क्या शाखाएं हैं? भारतीय दर्शन को जो प्राचीन वर्गीकरण है उसके अनुसार दो भागों में बांटा गया है, आस्तिक और नास्तिक। मीमांसा, वेद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इन्हें षड् दर्शन भी कहा जाता है। आस्तिक दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी नहीं है। इन दर्शनों में सभी ईश्वर को नहीं मानते। इन्हें आस्तिक इसलिए कहा जाता है कि ये सभी वेदों को मानते हैं। मीमांसा और सांख्य ईश्वर को नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक कहे जाते हैं क्योंकि वे वेदों को मानते हैं। इन छह आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई आस्तिक दर्शन हैं, जैसे शैव दर्शन, पाणिनीय दर्शन इत्यादि। इन दर्शनों का उल्लेख माध्वाचार्य ने अपने सर्वदर्शन संग्रह में किया है। नास्तिक दर्शन तीन हैं, चार्वाक, बौद्ध और जैन। ये नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि वेदों को नहीं मानते। आधुनिक भारतीय साहित्य में आस्तिक का अर्थ ईश्वरवादी है, नास्तिक का अर्थ अनिश्वरवादी है, किंतु प्राचीन जो दार्शनिक साहित्य है उसके अनुसार आस्तिक का अर्थ वेदानुयायी और नास्तिक का अर्थ वेद विरोधी। भारतीय दर्शनों में वेद का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वेद भारत का आदि साहित्य है। वेदों के बाद जो भारतीय विचारधारा चली वह वेदों से अत्यंत ही प्रभावित हुई। दार्शनिक विचारधारा पर वेद का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। पहला, जो वेद को मानते हैं, और दूसरा, जो वेद को नहीं मानते। वेदों को मानने वाले छह दर्शन षड् दर्शन नाम से प्रसिद्ध हुए और वेदों को नहीं मानने वाले चार्वाक, बौद्ध और जैन तीन ये दर्शन माने गए हैं। तो दो भारतीय दर्शनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वेद विरोधी दर्शन और वेद अनुकूल वेदों को मानने वाले दर्शन। तो वेद विरोधी दर्शन हो गए चार्वाक, बौद्ध और जैन, और वेदों को मानने वाले सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा वेदांत। मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है और वेदांत ज्ञानकांड पर आधारित है। भारतीय दर्शन में कुछ इसकी प्रमुख जो विशेषताएं रही हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। भारतीय दर्शनों में वैदिक और वेदों को न मानने वाले ये दो प्रमुख विभाजन हैं वेदों से संबंधित। भारतीय जो दर्शन है उनका विकास किस प्रकार से हुआ है? वेदों के बाद दार्शनिक कुछ विचारधाराएं सामने आई। भारतीय दर्शनों में अपने विचारों को स्पष्ट और अभ्रांत रूप से व्यक्त करने का व्यसन सा था। अपने विचारों को सर्वथा दोष रहित तथा आपेक्षहीन बनाने के लिए वे स्वभावतः प्रयत्न करते थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय दर्शन की समुचित आलोचना उनके भीतर पाई जाती है। भारतीय दर्शनों में विचारों के आदान प्रदान की प्रथा थी। भारतीय दार्शनिक साहित्य की उत्पत्ति तथा वृद्धि किस प्रकार हुई है? ये दार्शनिक जो मत हैं उनकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ढंग से हुई है। आस्तिक दर्शनों के साहित्य के इतिहास से ज्ञात होता है कि वेद तथा उपनिषद के बाद सूत्र साहित्य की उत्पत्ति हुई।
दार्शनिक विचारों का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप सर्वप्रथम हमें सूत्र साहित्य में पाया जाता है। सूत्र शब्द का अर्थ है संक्षिप्त स्मृति सहायक उक्ति। प्राचीन समय में दार्शनिक विवेचन मौखिक होता था। बादरायण के ब्रह्मसूत्र में वेदों के विशेषतः उपनिषदों के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उन्हें एक सुव्यवस्थित रूप दिया गया है। वेद तथा उपनिषद के दार्शनिक विचारों के विरुद्ध जो आक्षेप किए गए उनका समाधान भी ब्रह्मसूत्र में किया गया है। ब्रह्मसूत्र ही वेदांत का सबसे पहला क्रमबद्ध ग्रंथ है। इसी तरह मीमांसा के लिए जैमिनी ने, न्याय के लिए गौतम ने, वैशेषिक के लिए कणाद ने, योग के लिए पतंजलि ने सूत्र ग्रंथों की रचना की। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। सांख्य सूत्र के रचयिता कपिल ही समझे जाते हैं। प्राप्य ग्रंथों में ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका को ही सांख्य की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक रचना माना जाता है। सूत्र ग्रंथों की जो टीका लिखी गई उसको मुख्यतः भाष्य कहते हैं। तो सूत्र ग्रंथों के अनेक भाष्य भी प्राप्त होते हैं। नास्तिक दर्शनों के विकास का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार है। उनका विकास सूत्र और भाष्य इन क्रम में नहीं हुआ है। भारतीय दर्शन में सिद्धांत की अनेक विभिन्नताएं हैं और सामंजस्य भी है। जितने भी भारतीय दर्शन हैं सभी व्यावहारिक जीवन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधन हैं। चार्वाक के भौतिकवाद से लेकर शंकर के वेदांत तक जितने दर्शन हैं सभी योग्यता तथा स्वभाव के अनुसार विचार में जीवन बिताने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं। इस प्रकार सभी दर्शनों में वैषम्यता और साम्यता दोनों ही प्राप्त होती है।